आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 12 रचनात्मक गतिविधियों की आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे क्या दिया है, मेरी माँ निबंध दिया है। तो निबंध होता है कोई टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर आपको बताना होता है। तो यहाँ पर टॉपिक है मेरी माँ। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये लड़का है और ये इसकी माँ है, ये लड़का है और ये इसकी माँ है। तो इसने अपनी माँ के बारे में कुछ बातें बताई हैं। ओके, तो वो बातें क्या हैं? यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम श्रीमती डैश है। तो यहाँ पर इसने अपनी माँ का नाम नहीं लिखा है। ओके, और यहाँ पर आपको अपनी माँ का नेम लिखना है। ठीक है, क्या है? मेरी माँ का नाम श्रीमती डैश है। तो यहाँ पर जो नेम है आपकी मम्मी का, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, वह सुबह जल्दी उठती हैं। क्या है? वह सुबह जल्दी उठती हैं। नेक्स्ट है, मेरे परिवार में चार लोग हैं। मेरे परिवार में चार लोग हैं। आपके परिवार में अगर चार से ज्यादा हैं या चार से कम हैं, तो आप वो लिख देना। ठीक है, आगे है, वह हमारे लिए खाना बनाती हैं। वह हमारे लिए खाना बनाती हैं। आगे है, वह हमारे कपड़े धोती हैं। वह हमारे कपड़े धोती हैं। नेक्स्ट है, वह घर को हमेशा साफ रखती हैं। वह घर को हमेशा साफ रखती हैं। नेक्स्ट है, वह शाम को हमें पढ़ाती हैं। वह शाम को हमें पढ़ाती हैं। नेक्स्ट है, वह सदा प्यार से बोलती हैं। वह सदा प्यार से बोलती हैं। आगे है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर लड़का है तो करता हूँ और लड़की है तो करती हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओके, तो ये बता लेते हैं, आपको रीड करवा देते हैं। यह मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम श्रीमती डैश है। यहाँ पर नेम लिखना है अपनी माता जी का। ओके, वह सुबह जल्दी उठती हैं। मेरे परिवार में चार लोग हैं। वह हमारे लिए खाना बनाती हैं। वह हमारे कपड़े धोती हैं। वह घर को हमेशा साफ रखती हैं। वह शाम को हमें पढ़ाती हैं। वह सदा प्यार से बोलती हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। ओके बच्चों, तो इनमें से 5 लाइंस आपको नोटबुक में राइट करनी है। ज़रूरी नहीं है यही लाइंस लिखोगे आप अपने मन से अच्छी लाइंस लिखना जिसका सेंस हो। ओके बच्चों, तो साफ साफ राइटिंग में काम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।